नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा किया था कि भक्ति आंदोलन क्या था, ठीक है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके जो मेन एलिमेंट है उसके बारे में। साथ में हम ये जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने कौन कौन से मत प्रतिपादित किए थे और उनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं भक्ति आंदोलन के वो क्या क्या हैं, जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आप अगर प्रीलिम्स में कूट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो ये जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के मूल तत्व, ठीक है, इसमें ईश्वर की भक्ति में भजन और कीर्तन गाए गए, ठीक है, भक्ति आंदोलन में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये उनका मेन उद्देश्य था कि ईश्वर की भक्ति में जो है भजन एवं कीर्तन, यानी भजन एवं कीर्तन की जो पद्धति है वो शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन से, ठीक है। धर्म गुरु की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो ईश्वर के सारे रहस्यों को जानते हैं और उसको ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड उद्देश्य जो मेन इनका एलिमेंट था वो था धर्म गुरु की पूजा करना और उनके जो रहस्य है क्योंकि वो ईश्वर के रहस्य का ज्ञान हमको देते हैं। तीसरा नंबर में था ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, उसको अपनी सारी इच्छाओं और कामनाओं को जो है त्याग देना चाहिए। तो ये जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद जो है सबको जो भी व्यक्ति जो ईश्वर प्रेम में डूबा रहता है उसको सबको जो है समान समझना चाहिए और जाति व्यवस्था का इसमें जो है कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकारा नहीं गया है बल्कि ये कहा गया है कि इसका जो है कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ में ईश्वर जो है केवल भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं ये कहा गया और ये जो है कर्मकांड रीति रिवाज या अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये सब व्यर्थ हैं। इन्होंने मेनली कर्मकांड रीति रिवाज और अनुष्ठान के विरोध में ही ये जो भक्ति आंदोलन है वो चला था। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है ईश्वर जो है प्राणी के हृदय में निवास करते हैं न कि मंदिरों में या पत्थरों में, ठीक है। तो ये इनका मानना था, तो ये किसी विशेष भाषा से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो जन साधारण की जो आम भाषा है उससे भी ईश्वर जो है भक्त से प्रसन्न हो सकता है। तो ये जो है भक्ति आंदोलन के मूल तत्व थे। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख संत में सबसे पहले नंबर में है शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य जो है इसके प्रथम प्रचारक थे और प्रथम संत थे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शंकराचार्य। इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में 8वीं सदी में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 8वीं शताब्दी में होगी, कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में केरल में, ठीक है। व्यापक स्तर पर जो है भक्ति मत को इन्होंने ज्ञानवादी तरीके से जो है प्रसारित किया, ठीक है। और इनका जो दर्शन था बहुत ही हाई लेवल का था इसलिए ये जो है फेमस हुए थे, ठीक है। इनका जो दर्शन का आधार था वो था वेदांत या उपनिषद, मतलब जो उपनिषद हैं हमारे वर्तमान में उन्हीं को वेदांत कहते हैं और उन्हीं का जो है इन्होंने डीप एक्सप्लेनेशन जो है अपने भक्ति को ज्ञान मार्ग के रूप में जो है इन्होंने सबको समझाया, ठीक है। इन्हीं का ये जो सिद्धांत था जो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था उसको अद्वैतवाद कहते हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे अगर आपसे पूछे तो ये शंकराचार्य थे, ठीक है। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया था वो ये था कि जो भारत भर को एकीकृत करने के लिए धार्मिक एकता को चारों दिशाओं में एक बराबर करने के लिए इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार है। उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ जिसको बद्रीनाथ की जगह में है, ठीक है, और पश्चिम भारत में है शारदा मठ, ठीक है, जो द्वारिका में स्थित है, और दक्षिण भारत में है वेदांत मठ जो श्रृंगेरी में है, और पूर्व में है गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी में है, ठीक है। ये चारों के नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो ये आपको याद रखने हैं। उत्तर भारत में है ज्योतिर्मठ, ठीक है, पूर्व में है गोवर्धन मठ, दक्षिण में है वेदांत मठ, और ये पश्चिम में है शारदा मठ, ठीक है। तो ये चारों मठों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दार्शनिक संतों में सबसे अधिक जो प्रसिद्धि मिली है वो शंकराचार्य को मिली है उनके अद्वैतवाद के कारण, ठीक है। परंतु निर्गुण ज्ञानवादी जो इनका दर्शन था और जो ये मेनली इनका जो दर्शन निर्गुण था, ठीक है, और ज्ञान पर मेन फोकस था, भक्ति पर ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो ज्ञानवादी दर्शन होने के कारण मन में जो निराशा जो उत्पन्न थी और जो विषाद था उसको ये आम लोगों के खत्म नहीं कर सका। कारण क्या था
क्योंकि इनका जो दर्शन था वो सामान्य लोगों के समझ से परे था, ठीक है। और इसी कारण से कालांतर में इनकी जो दर्शन है या अद्वैतवाद है उसका आलोचना हुआ, और आलोचना के फलस्वरूप जो है अनेक और मत जो है सामने आए, ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। चलिए, तो चार जो है शंकराचार्य के विरोध में चार मत प्रतिपादित किए गए, जिसमें पहला है विशिष्टाद्वैतवाद जिसको रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था, उसके बाद है द्वैतवाद, ठीक है, माधवाचार्य ने इसको प्रतिपादित किया, फिर है शुद्धाद्वैतवाद जिसको वल्लभाचार्य है, उसको विष्णु स्वामी भी इनको कहा जाता है, उन्होंने प्रतिपादित किया, और फिर है द्वैताद्वैतवाद जिसको निम्बार्काचार्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो इन चारों को जो है आपको कूट दे दिया जाएगा और मिलाने के लिए कहा जाएगा कि कौन सा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो आप इसको क्रम से इसी प्रकार याद रखेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य है, द्वैतवाद का मध्वाचार्य है, शुद्धाद्वैतवाद का जो है वल्लभाचार्य है या विष्णु स्वामी उनका नाम है, ठीक है, और द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य है, ठीक है। तो पहला नंबर में हम देखेंगे रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है। रामानुजाचार्य जो है भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक संत थे, जिनका जन्म जो है श्री पेरम्बदूर में तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, ये भी दक्षिण भारत में जन्मे थे, और इसके पहले हमने देखा शंकराचार्य का जन्म भी केरल में हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। ये मैं मुख्य रूप से जो है रामानुजाचार्य जो है ये वैष्णव संत थे, ठीक है, इन्होंने कांचीपुरम के जो यादव प्रकाश है उनकी देखरेख में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, ठीक है, मतलब स्वयं जो इनका जो पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ ये कांचीपुरम में हुआ यादव प्रकाश की देखरेख में, ठीक है। होयसल राजा विष्णुवर्धन के भाई को जो है वैष्णव बनाने में ये जो है सफल हुए, ऐसा ये माना जाता है, ठीक है। तो ये एक मान्यता है कि होयसल वंश के जो राजा थे विष्णुवर्धन, उसके जो भाई है उसको इन्होंने वैष्णव धर्म में जो है लाया था, ठीक है। शंकर के अद्वैत दर्शन के विरोध में इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को जो है प्रतिपादित किया, और इन्होंने ज्ञान के बदले भक्ति को जो है जोर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ईश्वर ज्ञान के द्वारा नहीं परंतु केवल और केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्ति जो है व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, जैसा कि आपको शंकर के दर्शन में देखने को मिलेगा कि जो ईश्वर है और जो आत्मा है उसका मतलब एक माना गया है उस सभी चीजों को, ठीक है, परमात्मा और आत्मा का को जो है एक के रूप में माना गया है, परंतु यहाँ पर जो है व्यक्ति की आत्मा जो है ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, ऐसा रामानुजाचार्य ने माना है, और अग्नि और चिंगारी का संबंध आत्मा और परमात्मा से उन्होंने माना है, ठीक है। ईश्वर जो है अमूर्त नहीं है, जैसा कि शंकर के द्वारा माना जाता है कि वो अमूर्त है, तो वैसे ही ये अमूर्त नहीं मानते हैं, बल्कि वो गुणवान है और ईश्वर का एक सौंदर्य है, ठीक है। तो ये है रामानुजाचार्य का जो दर्शन है, मुख्य रूप से जो मेन एलिमेंट है वो इतने ही है, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर जो है कमेंट यानी कि भाष्य लिखा है, जिसको श्री भाष्य कहते हैं, ठीक है। श्री भाष्य में कहा गया है कि एक शूद्र भी जो है ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो जो रामानुजाचार्य हैं इनको दक्षिण भारत में जो है विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे निम्बार्काचार्य के। निम्बार्काचार्य जो है रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ठीक है, और इनका मानना था कि जो भक्ति है, इंसान को जो भक्ति मिलती है वो ईश्वर के कृपा के परिणाम ही प्राप्त होती है, ठीक है, निम्बार्काचार्य। और इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति पर जो है सर्वाधिक जोर दिया, अत्यधिक रूप से केवल कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया, और इनके जो अनुयायी हैं जो बड़ी मात्रा में है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इनकी जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो अनुयायी हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। इनका जो मत था वो था द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य के जो दर्शन है
ये एक विशिष्ट दर्शन है, ठीक है। इनका जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन के तीन दार्शनिकों के साथ इनका नाम जो है लिया जाता है, ठीक है। तीन जो विशेष जो दार्शनिक है जिसमें हमने पढ़ा है शंकराचार्य के बारे में और रामानुजाचार्य के बारे में, तो तीसरे में जो है माध्वाचार्य का नाम भी उनके साथ लिया जाता है, ठीक है। इनका जो दर्शन था वो तत्ववाद था, ठीक है। इनका जो दर्शन है वो तत्ववाद है जिसको द्वैतवाद भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य होता है वो हरि दर्शन है, यानी ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना है, और ईश्वर के दर्शन के बाद ही जो है व्यक्ति जो है परम आनंद या मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में, ठीक है। और भी कुछ दर्शन बच गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।